1857 की जंग में वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे इसी आरा ने। लेकिन आज आरा की धरती से इस अथाह जन समूह के सामने राज तिलक के इस कार्यक्रम में जो मुद्दा हम उठाएंगे वो यहाँ पर मौजूद युवाओं से जुड़ा हुआ है। वो मुद्दा है रोजगार का, वो मुद्दा है नौकरियों का। लेकिन सबसे पहले आइए आपको दिखाती हूँ आरा की मेरी ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि अब नौकरी ही नौकरी, नौकरी ही नौकरी, हर राजनीतिक पार्टी यही संदेश दे रही है। तेजस्वी यादव दावा करते हैं कि वो 10 लाख नौकरी देंगे, तो दूसरी तरफ बीजेपी कहती है हम 19 लाख देंगे। अभी तो जनता को अपने वोट से कहना है कि वो किस पर विश्वास करते हैं। आरा से मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट, फिर आपकी चर्चा इन लोगों से यहाँ पर कराएंगे। पहले देखिए राज तिलक में आज बारी आरा की है, तो आरा शहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं यहाँ के युवाओं से। भोजपुर का ये इलाका, नेताओं के वादों पर क्या है इनकी सोच? एक तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहले ही कैबिनेट मीटिंग के बाद हस्ताक्षर वो 10 लाख नौकरियों पर ही करने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने आज 19 लाख नौकरियों का वादा कर दिया है। यहाँ के युवाओं को किसके वादे पर है यकीन, आइए जानते हैं। तेजस्वी यादव जी मैम, आपको लगता है कि वो 10 लाख नौकरियां दे देंगे, सरकारी नौकरियां? जी मैम, एक बार तो मौका देकर देखना चाहिए ना। 15 साल नीतीश को मौका दिया गया, दोनों में से कोई नहीं देंगे, इसमें से दोनों में से कोई आदमी नहीं देंगे। ये लोग अपना खाली बना रहे हैं कि लोग बुर्वक बना रहे हैं कि हम ये देंगे वो देंगे। किसके नौकरी के वादे पर यकीन है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10 लाख, बीजेपी कह रही है 19 लाख। किसी के वादे पर कोई उम्मीद नहीं है। केवल चुनाव आते हैं सब लोग बोलते हैं कि हम नौकरियां देंगे, ये करेंगे, मुझे दोनों में से किसी पे भरोसा नहीं है। आरा शहर में अगर आप गुजरेंगे तो आपको ऐसे मैदानों में कई जगहों पर युवा आपस में बैठकर तैयारी करते हुए दिखेंगे। और यकीन मानिए, चाहे वो बैंक की नौकरियां हो, रेलवे की नौकरियां हो, दरोगा की, सरकारी नौकरियां हो, इन सब की वो तैयारी कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं इनको किसके वादे पर भरोसा है। हमें तो अभी किसी के वादे पर भरोसा नहीं है, मतलब जब तक हम लोग को बेरोजगार है तब तक, और रोजगार मिलेगा तब हम किसे विश्वास करेंगे। तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं बैठ के जी, और तैयारी करते हैं, किसके वादे पर यकीन है? तेजस्वी यादव, आपको लग रहा है कि वो देंगे? हाँ हाँ एकदम। जो पार्टियाँ आप बोल रही है तो उस पर मैम जी को अभी यकीन नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव पर यकीन है। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं नौकरियों की, आपको लगता है कि सरकारें और ये जो पार्टियाँ कह रही हैं ये वादा पूरा होगा नौकरियों का? चुनाव के बाद पता नहीं चलेगा कि होगा क्या होगा, ऐसे बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। चुनावी लॉलीपॉप है ये, चुनावी लॉलीपॉप। देखिए ये आरा की जनता ही बोल सकती है। दुविधा है हम लोग को, इनको दे या उनको दे। था समुद्र है ऐसे युवाओं का जो अपने भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, नौकरी खोजने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसे ही तमाम लोग देखिए अलग अलग जगहों पर ग्रुप डिस्कशन इस तरह से करते हुए, पढ़ाई करते हुए। आप लोगों को यकीन होता है पार्टियों पर जो कह रही है कि 10 लाख नौकरी देंगे, कोई कह रहा 19 लाख देंगे? यकीन तो करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। किस पर यकीन होता है? अब देखिए युवा नेता हैं तो उन्हीं पर चांस बनता है। ये सब चुनावी जुमला है। देखिए मोदी जी भी आए थे तो 2 करोड़ का वादा किए थे, ये भी आए हैं तो वहीं किए हैं, लेकिन युवा हैं, देखिए अब लोगों को उम्मीद है। जो कह रहे हैं कि हम लोग 10 लाख देंगे, ये थोड़ा सोचने वाली बात होती है कि 10 लाख वो किस क्षेत्र में देंगे। संगठन 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, ये बात पच नहीं रही है। बोल रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम 10 लाख देंगे, आज बीजेपी बोली है 19 लाख देंगे, उसमें हमको जो लगता है कि 10 लाख में 1 लाख भी दे देंगे ना तो सफल हो जाएंगे, लेकिन अभी कहा ना जाएगा कि वो 10 लाख देंगे। तो आरा शहर की एक शाम है, यू लॉन है, बच्चे किताब पलट रहे हैं, लेकिन इंतजार जिंदगी के पलटने का है एक नौकरी के साथ। आरा शहर से हमारी ये रिपोर्ट। तो आइए अब आरा की जनता के सामने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। आपको बता दें आरा में 7 विधानसभा क्षेत्र है, और पिछली बार के चुनाव में आरजेडी का वर्चस्व रहा था, इस बार महागठबंधन की तरफ से CPIML और आरजेडी चुनावी मैदान में है 4-3 के रेशो में। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से बीजेपी और जेडीयू का भी ऐसा ही 4:3 का रेशियो है। कौन बाजी मारेगा इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अमित कुमार, CPIML के नेता, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आनंद माधव, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद है, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। राकेश उपाध्याय जी, बीजेपी के नेता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
रामू पासवान हमारे साथ एलजेपी के नेता जुड़ रहे हैं। एलजेपी के नेता तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आलोक रंजन जी आरजेडी के नेता जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत। और हमारे साथ आरा के शो में सीधे दिल्ली से डॉक्टर संबित पात्रा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ उनका भी स्वागत कर दीजिए। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो जमीन पर जहां पर मौजूद है वहीं से शुरुआत करेंगे। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा, सबसे पहले सवाल आपसे यह है कि 19 लाख नौकरी अब नीतीश कुमार की सोचे। कल तक मजाक उड़ा रहे थे कि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी कहां से लाएंगे, जेल वाले पैसे से लाएंगे क्या? अब आपने 19 लाख का वादा कर दिया है, कैसे मुमकिन होगा ये? देखिए अंजना जी, पहले तो मैं आपको और यहाँ आरा के जिला के तमाम जो हमारे साथी हैं सबका दाद देता हूँ। जिस उत्साह के साथ, जिस जोश के साथ आप ये कार्यक्रम कर रही हैं, सल्यूट टू अंजना ओम कश्यप, क्योंकि आसान काम नहीं है। मगर मैं सभी जनता से कहूंगा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको सावधान रहने के लिए कहा है, हम भी बचे और अपने बूढ़े माता पिता को भी बचाएं। दूसरी बात है, देखिए मेरा बचपन बिहार में गुजरा है, मेरी पढ़ाई बिहार में हुई है और हम आरा हिलाला, छपरा हिलाला, बलिया हिलाला, ये हम सुनते रहे हैं। आज मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि उसी आरा के डिबेट में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूं कि मैं सभी आरा की जनता को पूरा हाथ जोड़ करके नमस्कार करता हूं। देखिए आपने कहा नौकरी कौन देगा, मैं आपको बोलना चाहता हूं, देखिए इतिहास होता है। इससे पहले 1990 से 2005 तक आज जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं उनके पिताश्री का राज था, हमने देखा है कितनी नौकरी उन्होंने दी है। और आरा की जनता से मैं कहना चाहता हूं, वैसे तो आंकड़ों के हिसाब से 95,000 नौकरी दिया था, मगर ये आरा की जनता और बिहार की जनता भी जानती है, 2-4 बीघा जमीन, ये जमीन लेके नौकरी देने का काम उस समय किया जाता था। देखिए जब 2005 के बाद हमारी सरकार आई, 2020 तक, 2020 तक कुल मिलाकर के जो नौकरी दी गई 6.5 लाख नौकरियां, और उसके साथ साथ 3.5 लाख टीचरों की बहाली हुई है। और अभी मैंने बिहार से मेरे साथी से बात किया, उन्होंने कहा ये गाना जरूर बताइएगा आज के शो में, ये जो जमीन लेके नौकरी देते थे, मंगरू भैल बीमार के तेजुआ सटल रहे, मंगरू भैल बीमार के तेजुआ सटल रहे, ये जो जमीन लेके जो घपला चला था लालू जी के समय, जमीन लेके नौकरी देने का, ये फिर से नहीं हो। ये तमाम मंगरू, चाहे वो मंगरू आरा का हो, चाहे वो मंगरू छपरा का हो, इस सब मंगरू लोग पूछ रहा है कहीं मेरा जमीन तो नहीं लूट लीजिएगा। ठीक है, चलिए जमीन की बात है और जमीन से हम शो को आगे ले जाएंगे। आलोक रंजन जी बताइए, 10 लाख सरकारी नौकरी कहाँ से आ जाएंगे? देखिए हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने साफ तौर पे कहा है कि, अरे सुनिएगा नहीं तो कैसे होगा, सुनिए, कई एक विभागों में 4.5 लाख जो है खाली रिक्त पद है, और जो हम लोगों को जो मानक तय करना है उस मानक के अनुरूप 5.5 लाख नौकरियां बिहार में आज भी सृजित है। और भाजपा की सरकार लगातार जुमले कर रही है, हम लोगों ने इनका जुमला लोकसभा में भी देखा था कि किस तरीके से 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का जो बात था, एक सवाल है, जरा सवाल बताइए, कितने महीने पहले आप लोग उप मुख्यमंत्री थे ना तेजस्वी यादव जी, कितने साल पहले? देखिए 18 महीने, 18 महीने पहले कार्यकाल में रहे हैं, तब ये नौकरियों की याद उनको क्यों नहीं आई थी? देखिए तब क्यों नहीं 10 लाख नौकरी कर दिए थे? देखिए हमारा बात ये है कि आप तेजस्वी यादव जी के 18 महीने के कार्यकाल को आप संजीदगी से आप समझने का प्रयास करिए। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर, तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे, एज अ डिप्टी सीएम तेजस्वी जी के कार्यकाल में, अरे एक सेकेंड तो छोड़ देते पद, अगर नीतीश कुमार उनको नौकरी नहीं देने दे रहे थे पद छोड़ देते, क्यों पकड़े हुए थे कुर्सी से? सुनिए हमारा नीतीश कुमार ने उनको छोड़ दिया ना, नीतीश कुमार जी बिहार में 15 वर्षों से राज कर रहे हैं,
नीतीश कुमार जी बिहार में 15 वर्षों से राज कर रहे हैं, ये 15 वर्षों में नौकरी क्यों नहीं सृजित किया गया, यह सबसे बड़ा सवाल युवाओं के सामने है आज। ठीक है राकेश जी, अपना माइक उठाइए। अब उपाध्याय जी जरा ये बताइए कि आपने क्या ये सेल ही सेल जैसे कपड़े बिकते हैं वैसे ये माल समझ रखा है बाजार, कि उन्होंने 10 लाख की नौकरी का वादा किया तो हम 19 लाख दे देंगे, कहाँ से लाइएगा 19 लाख? हमने तो पहले नौकरी देकर साबित किया है कि हम 19 लाख नहीं करोड़ों रोजगार दे देंगे, हमने करोड़ों रोजगार देने का वादा किया और उसको पूरा किया है। आप देखिए ये कपड़े की दुकान लगा सकते हैं लेकिन हम विश्वास पर खरा उतरने का काम करते हैं। हमने इसके पहले अभी हाल फिलहाल में लड़के प्रदर्शन कर रहे थे, अभी इन लोगों ने आप लोगों ने रेलवे की नौकरी के लिए अप्लाई किया, 1,30,000 वैकेंसी हमने एक बल्क में दिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि हमने कपड़े का दुकान, हम तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वरोजगार के लिए जो प्रयास किया है भारतीय जनता पार्टी वैसा बेहतरीन प्रयास कभी नहीं कर सकती, और राजद तो हमेशा अपहरण उद्योग चलाने के लिए जाना जाता है। राजद का रोजगार अपहरण है, गुंडाई है, मवाली है, बलात्कार है, लूट है, और यही काम तेजस्वी किया करते हैं 18 महीने के सरकार में। वो लोगों को बरगलाते रहे और आज 10 लाख रोजगार देने का वादा करते हैं, ये 10 लाख रोजगार देने का वादा झूठा है। अरे तो वेट कर रहे थे क्या कि 10 लाख बोलेंगे तो हम 19 लाख बोल देंगे? हाँ बिल्कुल, वेट कर रहे थे आप? नहीं, 19 लाख देंगे, किन किन सेक्टरों में देंगे? हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिया, अभी क्या कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, इतने महीने से क्या कर रहे थे? 3.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति किसने की? कितनी सरकारी नौकरियां रिक्त है अभी भी? आपने बताया बिहार में सरकारी रिक्तियां जो है उनको सबको फुलफिल किया जा रहा है, काम करा जा रहा है, जा रहा है। देखिए आपके बारे में तो मैं आपको बता दूं अंजना जी, राष्ट्रीय जनता दल की जो सरकार रही 15 साल, आपके बारे में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग टुकड़े-टुकड़े गैंग वाले हैं, कोरोना है, जनता विश्वास न करे, क्या करें? हम लोग शहीद है आजम भगत सिंह के वारिस है, हम लोग हमेशा आजादी के लड़ाई में, ये संघियों का कहीं योगदान नहीं है, आरएसएस के लोगों का कहीं योगदान नहीं है, और हम लोग शहीद आजम भगत सिंह के वारिस हैं। उस टुकड़े टुकड़े गैंग की बात जो योगी जी कर रहे हैं, उन्होंने अपने यूपी में लोकतंत्र का हत्या करके रखा है, और कन्हैया के ऊपर कोई चार्जशीट इन्होंने नहीं किया इनके दिल्ली पुलिस ने, और जो उनका ऑडियो है वो भी फर्जी है, न्यायालय ने जब तक उनको दोषी नहीं देता है, और हम लोग सही मायने में शिक्षा रोजगार कृषि खेती आज सामाजिक न्याय के लिए लड़ते आ रहे हैं, और ये आरएसएस के दंगाई आवाज इनका इतिहास की आजादी की लड़ाई लड़ने का। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक चलिएगा, एक भी आरएसएस संघ से जुड़ा हुआ आपको संगी नहीं मिलेगा। भगत सिंह और कांग्रेस के लोग पूरे कश्मीर से कन्याकुमारी तक आजादी की लड़ाई लड़ने का काम किए हैं, और ये झूठे जो देशभक्त लोग हैं, या देशभक्ति का नकली नकाब पहन के आज अडानी अंबानी के सामने देश को बेच रहे हैं। संबित पात्रा जी आपसे जवाब लूंगी जो वो आरोप आप पर लगा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आनंद माधव जी हमारे साथ है। आनंद माधव जी चेयरपर्सन भी है मैनिफेस्टो कमेटी बिहार कांग्रेस के, मैनिफेस्टो आपने बनाया है, नौकरी पर क्या कहना है आप लोग का? 10 लाख नौकरी आपने भी डाला है इसमें? बिल्कुल डाला है। कैसे हो जाएगा सृजित अचानक सरकारी नौकरी? अभी तक जो आंकड़ा है, मंशा साफ होनी चाहिए, सब कुछ होगा। 4,50,000 जो ऑलरेडी यहाँ वैकेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब वो सृजित है, सृजित है का मतलब उसके पीछे बजट है, तो जब बजट है तो आपने भर्ती क्यों नहीं किया? और एक बात और भी है, इन्होंने जो 19 लाख की घोषणा की है, एक तरफ मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि रोजगार लाएंगे कहाँ से, ये लैंड लॉक स्टेट है, ये लैंड लॉक स्टेट है, कहाँ से लाएंगे रोजगार? दूसरी तरफ उनके भाई कह रहे हैं कि हम 19 लाख देंगे, कहाँ से देंगे भैया? पहले आपस में तो फैसला कर लीजिए, आपस में फरिया लीजिए, हम तो जो कहते हैं वो निभाते हैं, हमने जो कहा है वो करेंगे। चले ठीक है, एक बार अब इनके पास जाते हैं। सोनू पासवान जी बैठ लीजिए। सोनू पासवान जी एलजेपी के नेता है, देखो बैठा ना तो सवाल ना ले पाई, बैठा बैठा। सोनू पासवान जी माइक मास्क यहाँ तक लगाइए। हाँ अब बताइए
जनता कंफ्यूज है, आप किधर हैं, उधर हैं कि इधर हैं? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले सभी लोगों को जो है मेरा प्रणाम। दूसरी बात यह है कि कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि इसके जैसे अभी कोई पार्टी ही नहीं है। ये पार्टी अकेले लड़ रही है अभी चुनाव। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी। अच्छा ठीक है, कह रहे आप उनके साथ सरकार बना रहे हैं। कहने की बात है, हमारे बड़े नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया, खिचड़ी पक रही है। बड़े नेताओं ने पहले ही साफ कर दिया है माननीय मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने कि लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका वोट कटवा की है। ये बात सत्य है कि लोक जनशक्ति पार्टी की भूमिका वोट कटवा की है। हम किसी भी पार्टी के साथ सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। जनता को गुमराह करने की साजिश है। हमारा गठबंधन जदयू के साथ है और वो मजबूत गठबंधन है, मजबूत गठबंधन है। देखिए ऐसे में सवाल जवाब, अरे आप बात कहाँ मान रहे हैं? वो तो कह रहे हैं नौकरी है ही नहीं, इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? एक बार जरा आपकी राजीव जी की बात पर संबित पात्रा जी आपसे जवाब लेते हैं। वो कह रहे हैं लेफ्ट पार्टियों को जो आप उंगली उठा रहे हैं, आप 19 लाख की बात कर रहे हैं। संघ के लोगों ने कभी कोई योगदान नहीं दिया। वो कह रहे हैं वो तो आंदोलन से लेकर जुड़े हुए हिंदुस्तान की प्रगति पर उन्हें बदनाम न करें। समित पात्रा जी,